फ्रेंड्स, कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना। होप्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज मैं प्रोडक्ट का रिव्यू लाई हूँ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये प्रोडक्ट मैं किस बारे में बात करूँ, तो जी हाँ, ये प्रोडक्ट है हीना, जो कि बहुत ही ज़्यादा चल रहा है इस वक्त मार्केट में। और जैसे कि मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि मेरा छोटा बेबी है, तो मैं ना मेहंदी लगाना काफ़ी टाइम से आप देख सकते हो मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना इनकन्वीनियंट था मेरे लिए कि इस तरह से प्रिपेयर करना, और रात को रात भर हम उससे मेहंदी को किस तरह से रखते हैं, कितने सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, और फिर मॉर्निंग में लगाना होता है। बट ये जो मैंने लाए हैं प्रोडक्ट, ये सबसे बेस्ट मुझे सलूशन लगा। जैसे ही मुझे दिखा कि मार्केट में कुछ नया लॉन्च हुआ है, और सबसे बेस्ट बात मुझे लगी कि ममा अर्थ का, आप लोगों सभी को पता है फ्रेंड, ममा अर्थ जो प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं। और सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इसकी कि यहाँ पर अगर आप परचेस करते हो तो आपसे भी कुछ अच्छा काम होता है। दैट मीन्स कि एक प्लांट लगाते हैं, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और ममा अर्थ का जो भी प्रोडक्ट है, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, ट्रस्ट में गाइस, क्योंकि मैं जहाँ तक अपने बेबी की बात हो या खुद पे यूज़ करती हूँ, तो मैं ममा अर्थ का बेहिजक लेती हूँ। थोड़ा कॉस्टली होता है बट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और यहाँ पर हम बात करें अपने बालों की, तो मैंने हर वीडियो में आप लोगों को शेयर की कि नेचुरल चीज़ें हमेशा यूज़ करनी चाहिए, जैसे हमारी स्किन हो गए, हेयर हो गए। तो जब मुझे ये प्रोडक्ट दिखा तो मैंने इमिडिएटली बाय किया और मैंने अप्लाई किया। फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे अप्लाई किया, और मैंने किस तरह से अप्लाई किया कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। और इसके आपको ऑयल भी है और शैम्पू, वो दोनों कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हीना अप्लाई किया फॉर डेमो पर्पज। और यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप मेरे प्री और पोस्ट दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हीना यूज़ किया, मैंने वॉश भी नहीं किया, बट इसकी शाइन है ना बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा नेचुरल आया है। और ये एकदम ब्लैकिश तो नहीं देता है फ्रेंड, जैसे हीना का कलर होता है मेहंदी का, उसी तरह से शाइनिंग टाइप में आया, कॉफ़ी टाइप का। और सबसे अच्छा लगा ना मुझे इसमें कॉफ़ी है और नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, जो आपके बालों को बिल्कुल हार्म नहीं करता। और ये वॉश करने के बाद बिल्कुल भी ऐसे रफ रफ नहीं लग रहे हैं मेरे बाल। अदरवाइज मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था पतंजलि प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगे थे, और मैंने कहा था कि आप इसे बिल्कुल यूज़ ना कीजिए। बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रफ है, यहाँ का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि मेरे बालों को बहुत वीकली डैमेज हो जाता है। बट ये लगाने के बाद मुझे 2 दिन हो गए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा कवरेज भी आया है। आप इसे ब्लाइंडली एकदम आंख बंद करके ले सकते हो, और जो मेरी तरह जिनको टाइम नहीं मिलता और ऑफिस गोइंग गर्ल है, उनके लिए तो बेस्ट बेस्ट है ये। और अगर आपने इसमें अगर एग ऐड किया तो सोने पे सुहागा, जो हमें सन प्रोटेक्शन पे भी से भी बचाता है फ्रेंड, तो इसे तो मैं बिग थम्स अप दूंगी, आप आंख बंद करके ले लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ लेट मी कमेंट बिलो, मैं उसे जरूर फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। टिल देन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, टेक केयर। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है मेहंदी को, और अच्छी तरह से इस तरह से टाई करते जाना है। इस तरह से मेहंदी लगाते हो ना बाल में प्रॉपर लगते हैं। और कभी भी याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आप मेहंदी लगाते हो और आपको मेहंदी ठंडी लगती है ना, बहुत सारे लोगों को कोल्ड कफ हो जाती है, तो ऐसे टाइम में आपको कॉफ़ी ज़रूर पीना या चाय ज़रूर पीना है। ये रहा आप लोगों के लिए टिप्स, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा सर्दी हो जाती है, तो ये आप लोग लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और मैंने इसमें एक यूज़ किया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और